वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग एक्सरसाइज नंबर 4.5 ऑफ NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट? इफ ए इक्वल टू 3, 1, -1 and 2, देन शो दैट ए स्क्वेयर माइनस 5a + 7i विल बी इक्वल ऑफ 0 मैट्रिसेस। स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा सा चुटकुला जैसा लगेगा। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स और जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखा होगा, इफ ए विल बी इक्वल ऑफ 3, 1, -1 and 2, ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूज ऑफ रो एलिमेंट्री मेथड। यस और नो, याद है? ठीक है, इन द चैप्टर नंबर 3 वी यूज्ड रो एलिमेंट्री मेथड। सेकंड वन इज द कॉलम एलिमेंट्री मेथड, और मैंने आपको थर्ड भी बताई थी, बेस्ड ऑन कोफैक्टर या तो एडजॉइंट। तो इन द केस ऑफ मैट्रिक्स वी यूज्ड रो एलिमेंट्री मेथड, कॉलम एलिमेंट्री मेथड, और ठीक है, मेथड बेस्ड ऑन कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। बट हियर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट्स वी यूज द फॉलोइंग इक्वेशन a² - 5b + 7i = 0। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। डिमांड ऑफ क्वेश्चन टू थिंग्स, फर्स्ट वन प्रूव दैट एंड सेकेंड वन फाइंड। आराम से देखिएगा स्टूडेंट, गिवन दैट, ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, ठीक है, मैट्रिसेस ए विल बी इक्वल ऑफ 3, 1, -1, 2। ठीक है स्टूडेंट, LHS देखिए, यहाँ पर क्या है LHS, ठीक है, LHS विल बी इक्वल a² - 5a + 7i, आई दैट मीन्स अ यूनिट डायगोनल मैट्रिसेस। तो सर आई की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ए स्क्वेयर और 5a फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, a स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ a.a, यस और नो? ए स्क्वेयर मैथ्स में होता ना a.a, सो a.a दैट मीन्स अ 3, 1, -1, 2, 3, 1, -1, 2। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हाउ टू मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम। स्टूडेंट ठीक है, 3, 3 जा 9, 1 into 1, 1, first into first एंड last into last, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, +, -, -, -, -1 and +4। स्टूडेंट हियर वी गेटिंग +, -, -, दैट मीन्स द 8, 3 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 5, हियर -5 एंड +, -, विल बी इक्वल ऑफ 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेटिंग द वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वेयर, ठीक है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन वी हैव 5a, व्हाट इज द मीन ऑफ द 5a, दैट मीन्स अ 5 into a, ए विल बी इक्वल 3, 1 - 1 into 2, सच दैट 5 3 जा 15। हाउ टू मल्टीप्लाई स्टूडेंट, कोई भी नंबर अगर जो मैट्रिसेस के बाहर है, दैट मीन्स अ मल्टीप्लाई बाय ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, देन 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ थर्ड इज देयर, थर्ड, दैट मीन्स अ 7i, ठीक है स्टूडेंट, 7i दैट मीन्स अ 7 into i, आई दैट मीन्स अ, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। ठीक है स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर 2 बाई 2 है,
कितना है 2 by 2। तो मैंने यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स यूज़ करा। अगर जो इसी क्वेश्चन में 3 by 3 होता तो मैं 3 by 3 का मैट्रिक चूज़ करता। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 into 0 विल बी इक्वल ऑफ 0, 7 into 0 दैट मीन्स अ 0, 7 1 जा 7, इक्वेशन नंबर 3। वी गेटिंग द फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट बाय यूज ऑफ द LHS, LHS दैट मीन्स अ LHS, ठीक है। ए स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ 8 5 -5 and 3 -5a, what is the value of the 5a? 5a will be equal of 15.5 -5.10 and finally 7i, 7i will be equal of 7007। student, ठीक है, how to minus first element minus second element, फर्स्ट एलिमेंट माइनस बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, 8 -15 दैट मीन्स अ -7, 5 -5 दैट मीन्स अ 0, -5 + 5 विल बी इक्वल ऑफ 0, 3 - 10 विल बी इक्वल ऑफ -7। नाउ लास्ट वन 7007, 70 देखिए ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐड विथ फर्स्ट दैट मीन्स अ 0, सेकेंड प्लस सेकेंड दैट मीन्स अ 0 + 0, 0 + 0 एंड -7 + 7 विल बी इक्वल ऑफ 0, 0 मैट्राइसेस। वी टेकिंग द LHS देन वी गेटिंग द RHS, सो वी कैन से हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन, यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, वी टेक ए विल बी इक्वल ऑफ धीस, सो वी फाइंड ए स्क्वेयर, ठीक है, देन 5a, देन 7i, तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करा, प्लस माइनस करा, सोल्व हो गया। सो ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ए इनवर्स बाय यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स अ क्वाड्रिक, मे बी क्यूबिक, कोई सी भी इक्वेशन हो कैसे देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वी नो दैट, विनोद जानता है, विनोद क्या जानता है, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i, आई व्हाट इज द मीन ऑफ द आई, आई दैट मीन्स अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना होता है 1 1 1 1। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है, 1 1 0 0, अगर जो मैं इसको सोल्व भी करूँ, ठीक है, आपको यहाँ रफ में करके बता देता हूँ, मान लीजिए 1 0 0 1, ठीक है, हाउ टू सोल्व, धीज इंटू धीज दैट मीन्स अ 1, धीज इंटू धीज दैट मीन्स अ 1, मतलब 1 - 0 विल बी इक्वल ऑफ 1, दैट मीन्स मैं आई की प्लेस पर 1 लिख सकता हूँ, यस और नो, ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, मे बी राइट इन द प्लेस ऑफ आई विल बी इक्वल ऑफ 1, सो ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7 into 1 इक्वल टू 7। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है, ए इनवर्स का इधर भी इंटू होगा, ठीक है, और इधर भी इंटू होगा, ए इनवर्स डॉट 0 इक्वल टू ए इनवर्स, स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स अ 1, आर यू गेटिंग, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 विल बी इक्वल ऑफ 1, ठीक है, -5 into a to the power 0, यस और नो, ए इंटू ए इनवर्स विल बी इक्वल ऑफ 8 to the power 0, दुनिया में किसी की भी पावर 0 विल बी इक्वल ऑफ 1। नाउ 7 into a इनवर्स विल बी इक्वल ऑफ 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, स्टूडेंट हाउ वी कैलकुलेट, 7a इनवर्स विल बी इक्वल, ये कितना लिखा है, -5 कन्वर्ट इंटू +5, पॉजिटिव a कन्वर्ट इंटू -a, 7 इसके मल्टीप्लाई में है, सामने वाले के अपॉन में, दैट मीन्स अ 1/7, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, दैट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, बट दिस वैल्यू नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जल्दी से देखेंगे, ठीक है, सो ए इनवर्स विल बी इक्वल
वन इन बाय सेवन स्टूडेंट, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाइव, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, फाइव इंटू वन, फाइव विल बी इक्वल ऑफ फाइव इंटू वन, वन दैट मीन्स, ठीक है, वन को मैं क्या बोल सकता हूँ, वन जीरो जीरो वन माइनस ए, व्हाट इज द मीन ऑफ द ए, ए विल बी इक्वल ऑफ थ्री वन, थ्री वन माइनस वन टू, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, वन बाय सेवन, ठीक है, फाइव इंटू दिस विल बी इक्वल ऑफ फाइव जीरो जीरो फाइव एंड माइनस थ्री वन माइनस वन एंड टू, हाउ वी मल्टीप्लाई, वन बाय सेवन, सॉरी नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, सिंपल, ठीक है, फाइव माइनस थ्री विल बी इक्वल ऑफ टू, जीरो माइनस वन दैट मीन्स अ माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन एंड फाइव माइनस टू विल बी इक्वल ऑफ थ्री। अगर जो ये सारे नंबर सेवन के फॉर्म में होते तो मैं सेवन को डिवाइड में पहुंचा देता, सॉल्व कर लेता, बट नहीं है, दैट मीन्स अ ए इनवर्स, ठीक है, आया स्टूडेंट, नाउ टाइम फॉर रिकॉल ऑफ द क्वेश्चन, इफ ए विल बी इक्वल ऑफ दिस देन शो दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ये मैंने रिकॉल कर दिया था, नाउ टाइम फॉर ए इनवर्स, जो भी इक्वेशन दी रहेगी उसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, सो वी टेक द ए इनवर्स वन साइड, ऑल वैल्यूज अनदर साइड, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन करेंगे, देन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। आ स्टूडेंट, वी टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.5 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स डिमांड ऑफ क्वेश्चन फॉर अ मैट्रिक्स कैपिटल ए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 शो दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए प्लस 11 i विल बी इक्वल ऑफ 0, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, 1 1 1 1 2 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट क्वेश्चन को वेरीफाई करना, ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, गिवन दैट A will be equivalent of 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, 2, minus 1, 3. We have to find the value of A cube. We have to find the value of A cube. Student, ध्यान से देखिएगा, A cube, that means A into A into A. तो हम last से चालू कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, 11 into I. 11 इंटू आई, आई दैट मीन्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके सिर्फ डायगोनल में सिंगल वैल्यूज 1 1 1 होगी और बाकी सब तरफ कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 0, ठीक है, दिख रहा सर, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय द 11 विल बी इक्वल ऑफ 11 0 0 0 11 0 and 0 0 11, सेकेंड वैल्यू स्टूडेंट 11i, then we have to find 5a, 5a that means 5 multiply by a, a will be equal of 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, 2, minus 1, 3, such that 5 into this that means 5, 5, 5. ठीक है, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट देन ए स्क्वेयर, हाउ टू इवेलुएट ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए इंटू ए, ए दैट मीन्स 1 1 1 1 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 3, अगेन मल्टीप्लाई बाय सेम दैट मीन्स 1 1 1 1 2 माइनस 3 एंड फाइनली 2 माइनस 1 3, स्टूडेंट मल्टीप्लाई कैसे होता है जल्दी से बताइए मुझे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखिए, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 एंड माइनस 1, ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस 3 एंड प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट, अब हम
ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय द फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो दैट मीन्स अ वन इंटू वन, टू इंटू वन एंड माइनस सिक्स, देन वन इंटू वन, टू टू जा फोर एंड प्लस थ्री, फाइनली वन इंटू वन, ठीक है, माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री, माइनस नाइन. नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. अब थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, टू वन जा टू, ठीक है, माइनस वन एंड सिक्स, ठीक है, टू वन जा टू, माइनस टू एंड माइनस थ्री, टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस एंड थ्री थ्री जा नाइन. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सो वी गेटिंग ए स्क्वेयर. ठीक है, यहीं पर अपन सॉल्व कर ले क्या स्टूडेंट, ए स्क्वेयर विल बी इक्वल वन प्लस टू विल बी इक्वल ऑफ फोर. ठीक है, प्लस माइनस कैंसल, वी गेटिंग द टू. ठीक है, कैंसल, वी गेटिंग द वन. देन 2 प्लस 1 विल बी इक्वल ऑफ 3, सब्ट्रैक्ट बाय 6 विल बी इक्वल ऑफ माइनस 3. ठीक है, देन 4 प्लस 3 7 प्लस 1 विल बी इक्वल ऑफ 8. ठीक है, माइनस 6 माइनस 9 विल बी इक्वल ऑफ माइनस 15, सब्ट्रैक्ट बाय 1 दैट मीन्स माइनस 14. 2 प्लस 6 विल बी इक्वल ऑफ 8, माइनस 1 विल बी इक्वल ऑफ 7. ठीक है, प्लस माइनस कैंसल, देन वी गेटिंग द माइनस 3 एंड फाइनली 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 9 विल बी इक्वल ऑफ 14. ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर. ठीक है, हमको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं हुई इसलिए हमने इनका सम यहाँ पर कर लिया. स्टूडेंट फिर से देखिए, वी हैविंग द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ द 3 बाय 3 मैट्रिक्स, वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए माइनस 11 आई. तो हमने 11 आई देन 5 ए देन ए स्क्वेयर कैलकुलेट कर लिया है. नाउ वी टेकिंग ए क्यूब, ए क्यूब विल बी इक्वल ऑफ ए डॉट ए स्क्वेयर. ए डॉट ए स्क्वेयर दैट मीन्स ए विल बी इक्वल ऑफ 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3. एंड स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 एंड 7 माइनस 3 14. स्टूडेंट मल्टीप्लाई बिटवीन दिस एंड दिस, हाउ वी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम. थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो दैट मीन्स अ वन इंटू फोर, ठीक है, माइनस थ्री एंड प्लस सेवन, देन अगेन, ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, सो टू प्लस एट माइनस थ्री, वन माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन. ठीक है, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम. स्टूडेंट फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम. नाउ वी टेकिंग द सेकेंड रो, दैट मीन्स अ वन इंटू फोर विल बी इक्वल ऑफ फोर, टू थ्री जा सिक्स, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, वन इंटू टू दैट मीन्स अ टू, एट टू जा सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, वन इंटू वन विल बी इक्वल ऑफ वन, माइनस ट्वेंटी एट, फोर्टीन थ्री जा 14 3 जा विल बी इक्वल ऑफ 42 विद द नेगेटिव साइन. ठीक है, 2 इंटू 4 विल बी इक्वल ऑफ 8, माइनस माइनस प्लस विल बी इक्वल ऑफ 3, 3 7 जा 21. स्टूडेंट दिस इंटू दिस 4 माइनस 8 एंड 3 3 जा 9. फाइनली वी गेटिंग 2 इंटू 1 2, प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ प्लस एंड 3 दैट मीन्स ऑफ 42. ठीक है स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 11 माइनस 3 विल बी इक्वल ऑफ 8, देन 7, देन माइनस 1, आप करके देखिएगा. ठीक है, 8 प्लस 2 दैट मीन्स 10 माइनस 3 विल बी इक्वल ऑफ 7, 14 से 14 कैंसल, वी गेटिंग द सिंपल नेगेटिव 1. ठीक है, वी चेक वन मोर टाइम, फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, देन ठीक है चेक कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, ए क्यूब द वैल्यू ऑफ द ए क्यूब विल बी इक्वल ऑफ
ठीक है, ए क्यू विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव वन। ठीक है नाउ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 21 एंड 6 विल बी इक्वल ऑफ 27, 27 सब्ट्रैक्ट बाय 21 एंड 6, 21, 23। नाउ सेकेंड वन, 16 प्लस 2 विल बी इक्वल ऑफ 18, 18 प्लस 9 दैट मीन्स 27, 28 एंड 42 एंड माइनस विल बी इक्वल ऑफ माइनस 69। थर्ड वैल्यू स्टूडेंट 32, देन माइनस 13 एंड फाइनली 58। मैंने ये थोड़ा सा कर लिया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ए इंटू ए विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इंटू ए विल बी इक्वल ऑफ ए क्यू। नाउ ठीक है, एल एच एस, टाइम फॉर एल एच एस, एल एच एस विल बी इक्वल ऑफ ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 5 इंटू ए माइनस 11 इंटू आई। ठीक है, 11 इंटू आई विल बी इक्वल ऑफ 0। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 0। ठीक है, एल एच एस ले लिया। ठीक है, ए क्यूब विल बी इक्वल ऑफ 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 एंड 58 माइनस 6 इंटू ए स्क्वेयर वी गेटिंग द वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कितना है स्टूडेंट? 421। ध्यान से देखिए, 421 माइनस 38 एंड माइनस 14 7 माइनस 3 एंड अगेन 14। ठीक है, 5a विल बी इक्वल ऑफ 5 10 माइनस 15 एंड फाइनली 10 माइनस 5 एंड प्लस 15। ठीक है, लास्ट वन 11i विल बी इक्वल ऑफ 11 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको समझा देता हूँ। आप सोचेंगे सर पता नहीं क्या कर रहे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हियर ए विल बी इक्वल ऑफ 11112 माइनस 3 2 माइनस 1 3। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट है। फर्स्ट वन, वी हैव टू प्रूव ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 0। और सेकेंड पार्ट में मुझे निकालना है ए इनवर्स। मुझे ये जो पार्ट दिया हुआ, इसके लिए मुझे सबसे पहले ए क्यूब की ज़रूरत है, 6 ए स्क्वेयर की ज़रूरत है, 5 ए और 11 आई। तो देखिए, मैंने सबसे छोटा पार्ट 11 आई निकाला है। ठीक है, 5 ए दैट मीन्स 5 इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वेयर अगर जो हम चाहते हैं तो यहाँ पर 6 ए स्क्वेयर भी कैलकुलेट कर सकते थे। और ए क्यूब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? ए क्यूब दैट मीन्स ए क्यूब के लिए आपके पास दो चॉइस है, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर या ए स्क्वेयर। आप समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, मे बी रिटर्न इन द फॉर्म, ठीक है, या तो हमें ऐसा लिखिए या तो हमें ऐसा लिखिए, डिपेंड्स ऑन यू। ए क्यू विल बी इक्वल ऑफ ए डॉट ए स्क्वेयर या तो ए स्क्वेयर डॉट ए, दोनों कंडीशन में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके हमको वैल्यू मिली ए क्यूब की। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 54, 6 24 दैट मीन्स 84, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 एंड अगेन 84। स्टूडेंट नाउ फाइनल एक्सप्रेशन इज देयर विल बी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, 6 8 जा 48। ठीक है स्टूडेंट, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, 11 प्लस 5 विल बी इक्वल ऑफ 16। ठीक है, विल बी इक्वल ऑफ 16 एंड 16 प्लस 8 इक्वल टू 24, 24 माइनस 24 विल बी इक्वल ऑफ 0। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, प्लस 7 माइनस 12 प्लस 5, 5 प्लस 7 विल बी इक्वल ऑफ 12 एंड 12 माइनस 12 विल बी इक्वल ऑफ 0। लास्ट वन, ठीक है, 1 माइनस 6 प्लस 5, 5 प्लस 1 विल बी इक्वल ऑफ 6 एंड 6 माइनस 6 विल बी इक्वल ऑफ 0। नेक्स्ट वन, माइनस 23
माइनस माइनस प्लस 18, 18 फाइव 23, 23 माइनस 23 विल बी इक्वल ऑफ जीरो. स्टूडेंट 27 प्लस 48 प्लस 10, ध्यान से देखिए 10 प्लस 11 दैट मीन्स 21, 21 प्लस 27 दैट मीन्स 48, माइनस 48 विल बी इक्वल ऑफ जीरो. नेक्स्ट वन माइनस 69, बट माइनस माइनस प्लस 84 प्लस का याद रखिएगा, ठीक है. माइनस 69 एंड माइनस 15 विल बी इक्वल ऑफ प्लस 84, प्लस 84 माइनस 84 विल बी इक्वल ऑफ जीरो, ठीक है. नेक्स्ट वन 32 माइनस 42 प्लस 10, ध्यान से देखिए 10 प्लस 32 विल बी इक्वल ऑफ प्लस 42, प्लस 42 माइनस 42 विल बी इक्वल ऑफ जीरो, ठीक है. स्टूडेंट मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स को साथ में प्लस माइनस कर रहा हूँ. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंड फर्स्ट आप रब में करिएगा, सेकेंड प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड, थर्ड प्लस थर्ड प्लस थर्ड प्लस थर्ड, ऐसा लाइन से चलिएगा, ठीक है. माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 5, ठीक है. ध्यान से देखिए, ठीक है, माइनस 13 और माइनस 5 विल बी इक्वल ऑफ माइनस 18 एंड हियर माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स माइनस 18 प्लस 18 विल बी इक्वल ऑफ जीरो, ठीक है. लास्ट वन 58 84 एंड 15, 15 प्लस 11 दैट मीन्स 26 एंड 26 प्लस 58 विल बी इक्वल ऑफ प्लस 84, प्लस 84 एंड माइनस 84 विल बी इक्वल ऑफ जीरो, विल बी इक्वल ऑफ जीरो मैट्रिक्स. स्टूडेंट दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई. देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना है, ठीक है. वी गेटिंग, सबसे पहले हमने निकाला 11i, देन 5i, माइनस 6 ए स्क्वायर एंड फाइनली ए क्यूब. सभी वैल्यू को पुट करा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड, थर्ड प्लस थर्ड प्लस थर्ड, ऐसे सभी वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस करा, देन वी गेटिंग द जीरो 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 जीरो, दैट मीन्स अ जीरो मैट्रिक्स. आ स्टूडेंट, आफ्टर फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. वी नो दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 11i विल बी इक्वल ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है. I दैट मीन्स आर डायगोनल मैट्रिक्स विल बी इक्वल ऑफ 1. मैंने अभी हल बताया था लास्ट क्वेश्चन में, a क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5a 11 इंटू 1 विल बी इक्वल ऑफ 11 इक्वल टू जीरो. We have to find the value of A inverse. That means we have to multiply by A inverse. याद रखा स्टूडेंट, सिंपल मेथड है, ठीक है. हमको A inverse से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड. 0 into A inverse will be equal of 0. ठीक है, पावर का मल्टीप्लीकेशन आता ना बचपन में, प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स A टू दी पावर 2. ठीक है, धीज इंटू धीज माइनस 6 इंटू ए, ठीक है, धीज इंटू धीज दैट मीन्स 5 इंटू ए टू दी पावर 0 प्लस 11 इंटू ए टू दी पावर माइनस 1. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू दी पावर माइनस 1. ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इसको इस तरफ रखा, बाकी सब उस तरफ, दैट मीन्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6a प्लस माइनस माइनस 5 ए टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 0 दैट मीन्स 1 एंड 1 आर नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है. स्टूडेंट ए इनवर्स विल बी इक्वल ऑफ 11 इंटू में सामने वाले के डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस 5i. स्टूडेंट ए इनवर्स विल बी इक्वल 1 बाय 11, ठीक है. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, 1 बाय 11, ठीक है, 1 बाय 11, ठीक है. माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने ए स्क्वेयर और ए क्यूब निकाल लिया था, ठीक है. 4, 2, 1, माइनस 3, 8, माइनस 14, 7, माइनस 3 एंड 14, प्लस
सिक्स इंटू ए, ए विल बी इक्वल ऑफ वन वन वन, वन टू माइनस थ्री, टू वन माइनस वन थ्री, ठीक है। फाइनली फाइव इंटू, फाइव इंटू आई दैट मीन्स अ वन, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, धीरे धीरे सोल्व करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। माइनस वन बाय इलेवन, सॉरी वन बाय इलेवन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस वन, प्लस थ्री माइनस एट प्लस फोर्टीन, माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर्टीन, प्लस सिक्स इंटू धीस दैट मीन्स आर सिक्स, सिक्स सिक्स, सिक्स ट्वेल्व एट्टीन, सिक्स टू जा ट्वेल्व, माइनस सिक्स प्लस एट्टीन, एंड माइनस फाइव इंटू, ठीक है, फाइव का मल्टीप्लाई फाइव जीरो जीरो, जीरो फाइव जीरो, जीरो जीरो फाइव, ठीक है। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, ए इनवर्स विल बी इक्वल वन बाय इलेवन। स्टूडेंट माइनस फोर प्लस सिक्स, मैं पिछली बार ये बता रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइनस फोर प्लस सिक्स एंड माइनस फाइव, आप चाहे तो हर एक को लिख भी सकते, चलिए लिखते हैं अपन, ठीक है। माइनस फोर प्लस सिक्स एंड माइनस फाइव, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है स्टूडेंट, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन, नाइन दैट मीन्स हाउ मच, माइनस थ्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वन विल बी इक्वल ऑफ माइनस थ्री, देन सेकेंड को सॉल्व करेंगे, वी गेटिंग फोर, थर्ड वन इज द फाइव, एक्सपीरियंस हो जाता है, धीरे धीरे याद हो जाती वैल्यूज। थ्री प्लस सिक्स विल बी इक्वल ऑफ नाइन, नाइन माइनस जीरो विल बी इक्वल ऑफ नाइन, ठीक है। देन वी गेटिंग माइनस वन एंड माइनस फोर, माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व दैट मीन्स आ प्लस फाइव, प्लस फाइव माइनस जीरो विल बी इक्वल ऑफ फाइव दैट मीन्स फाइव, ठीक है। थ्री माइनस सिक्स दैट मीन्स आ माइनस थ्री, एंड जीरो दैट मीन्स आ माइनस थ्री, एंड लास्ट वन इज द माइनस वन, ठीक है। आप बोलेंगे सर, ठीक है, इलेवन बाहर क्यों है, अगर जो ये नंबर इलेवन के फॉर्म में होता, मतलब फॉर एग्जांपल ये इलेवन, ये ट्वेंटी टू, ये फोर्टी फोर, थर्टी थ्री, फिफ्टी फाइव, सिक्सटी सिक्स, वन हंड्रेड ट्वेंटी वन, इस फॉर्म में होता कि वो इलेवन से डिवाइड हो सके, तो मैं इलेवन को हर एक नंबर के अपॉन में छोड़ देता, देन आफ्टर कैंसिलेशन वी गेटिंग द अनदर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए इनवर्स। स्टूडेंट हाउ वी कैलकुलेट ए इनवर्स, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, बट ये क्या है, मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन फर्स्टली मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। जैसा आप बचपन में पावर का मल्टीप्लाई करते थे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। वी नीड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 11 इसके इंटू में, सामने वाले के अपॉन में। वी पुट द वैल्यूज ऑफ द ए स्क्वायर, ए एंड आई क्रॉसपॉन्डिंग, देन वी सिंपली मल्टीप्लाई, सिक्स मल्टीप्लाई बाय द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ धिस मैट्रिक्स, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ धिस, ठीक है। सिंपली प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये सब करा, वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द ए इनवर्स इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स इन द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। आई एम असीम कुमार मंडल एज अ रिप्रेजेंटेटर शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजुदा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी स्कूल।